जी दोस्तों, आज अब आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। ये एक भाई ने भेजा हमें कि कह रहा है कि ये चल नहीं रहा, इसमें से धुआं निकला और हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इसमें क्या मसला है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसका ट्रांसफार्मर जो है ना बिल्कुल जल गया है, तो आउटपुट शॉर्ट हुई है। आउटपुट के ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया जिसकी वजह से ये हीट हुआ और हीट होने से जल गया है। जी दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि एक इन्होंने ये ड्राइव सर्किट डाला है। ड्राइव सर्किट की उन्होंने बाइसिंग के लिए एक अलग सा ऊपर सर्किट बना दिया है और आउटपुट पे उन्होंने 5200 ट्रांसिस्टर डाला हुआ है। ठीक है, अब इस हम ट्रांसफार्मर का निकालते हैं। निकालने के बाद ट्रांसफार्मर जो है वो रिवाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम इसको इसमें फिट करके चला के चेक करेंगे। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे जल चुका है। सबसे पहले इसकी रिवाइंडिंग करेंगे, उसके बाद जो है ना आप इसको चेक करेंगे और चलाएंगे। जी दोस्तों, ट्रांसफार्मर ये रिवाइंड हो गया है और इसको हम सीरीज पे टेस्ट करते हैं। जी, ये हमारा अल्टरनेटिंग 12 वोल्ट 13 में है जी, 12.79। ये हमारा 36 36। अब हम इसको जो है इसमें फिट करते हैं और इसको चेक करते हैं कि आगे क्या हमारे सर्किट में क्या फॉल्ट है।
दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमने लगा दिया है